हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम ऑन वेल अकेडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम और सीटीक्यू के लेक्चर नंबर 28 को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी व्हाट इज इंपैक्ट लोडिंग, इंपैक्ट लोडिंग की वजह से किस तरीके से स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, उस स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। इंपैक्ट लोडिंग तो हमारा सेकेंडरी है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी तरीके से लोडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने लिस्टिंग करी है, आप ग्रेजुअल लोडिंग कर सकते हो, आप सडन लोडिंग कर सकते हो और आप इंपैक्ट लोडिंग भी कर सकते हो। तीनों में फर्क क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई एक बॉडी है और आप इस पे ग्रेजुअल लोडिंग करना चाहते हो। सपोज कर लीजिए आपको 150 किलो न्यूटन की इस पे ग्रेजुअल लोडिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक लोड लगा दोगे पी और करोगे क्या, धीमे 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 लोड की वैल्यू को आप बढ़ाते चले जाओगे। और कहां तक बढ़ाओगे, 150 किलो न्यूटन का न्यूटन तक, 150 किलो न्यूटन तक। ओके, कहने का मतलब क्या है, यहां पर जब भी आप ग्रेजुअल लोडिंग करते हो तो डायरेक्टली 150 किलो न्यूटन का लोड नहीं लगाते हो। सपोज कर लीजिए मेरे ये एक बॉडी है, इस पे मुझे क्या करना है, 150 किलो न्यूटन का लोड लगाना है। तो मैं एक पॉइंट लोड लेके आई, मैंने अभी रखा, इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे लोड कितना है, जीरो है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हम इस पे बढ़ाते जा रहे हैं लोड, बढ़ाते जा रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा 150 किलो न्यूटन हो जाएगा, हमारी रिक्वायरमेंट 150 किलो न्यूटन की थी, दैट्स इट। बात समझ रहे हैं। यहां पर ग्रेजुअल लोडिंग में हम क्या करते हैं, एक फोर्स की रेंज होती है जो कि जीरो से रिक्वायर्ड किलो न्यूटन तक बढ़ती है। ओके, तो यहां पर आपका जो लोड होगा वो जीरो किलो न्यूटन से स्टार्ट होगा, 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, फिर 50 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, फिर जाके आप कहीं पर 150 किलो न्यूटन अप्लाई करते हो। तो इस तरीके की लोडिंग को हम लोग बोलते हैं कि ग्रेजुअल लोडिंग हो रही है। ओके, सडन लोडिंग क्या होती है, सडन लोडिंग में आप क्या करोगे, आपकी रिक्वायरमेंट है 150 किलो न्यूटन की, आपने 150 किलो न्यूटन का कोई एक वेट लिया इस तरीके से, इसका टोटल वेट 150 किलो न्यूटन है और यहां पर इस बॉडी पर आपको 150 किलो न्यूटन लगाना था, आप ये वेट लेके आए और डायरेक्टली उठा के यहां पर रख दिया। ओके, डायरेक्टली उठा के यहां पर रख दिया, तो यहां पर आपने क्या करा, अभी तक ये जीरो फोर्स को फील कर रहा था और सडनली क्या हो गया, सडनली इसने 150 किलो न्यूटन फील करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके की लोडिंग को हम लोग बोलते हैं सडन लोडिंग हो रही है। अब बात करते हैं कि इंपैक्ट लोडिंग क्या होती है। ओके, अगर सपोज कर लीजिए आपको 150 किलो न्यूटन की इंपैक्ट लोडिंग क्रिएट करनी है, इंपैक्ट लोडिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, यही 150 किलो न्यूटन का ब्लॉक लेके आओगे, जो वेट आपने कंसिडर करा था सेम वेट 150 किलो न्यूटन का लेके आओगे, मगर इसको उठा के डायरेक्टली इस बॉडी पे नहीं रखोगे, सर्टेन हाइट पर लेके जाओगे। ओके, सर्टेन हाइट पर यहां पर 150 किलो न्यूटन हम लोग लेके गए, सपोज कर लीजिए यहां से इसकी हाइट एच है, यहां से ले जाके आप इसे छोड़ दोगे और ये 150 किलो न्यूटन का ब्लॉक जो है, ये जो वेट है, ये डायरेक्टली ऐसे आके गिरेगा और एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा, जिस वजह से हम लोग इसे बोलते हैं कि इंपैक्ट लोडिंग हो रही है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी ग्रेजुअल लोडिंग, सडन लोडिंग और इंपैक्ट लोडिंग क्या होती है। ओके, अब हमारा जो आज का टारगेट है, हमारा आज का टारगेट क्या है, इंपैक्ट लोडिंग का है। तो इंपैक्ट लोडिंग को देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी अगर ग्रेजुअल लोडिंग हो रही होती है, ओके, कहीं पर अगर ग्रेजुअल लोडिंग हो रही है तो उस पर्टिकुलर केस में स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, कहीं पर अगर सडन लोडिंग होती है, ओके, आप क्या करो, 150 किलो न्यूटन की आप ग्रेजुअल लोडिंग कर रहे थे, अगर आपने 150 किलो न्यूटन की सडन लोडिंग करी तो जो आपकी स्ट्रेस होंगी वो जस्ट डबल हो जाती है। अब जो बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप होंगी वो 2 times ऑफ लोड अपॉन एरिया हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से इंपैक्ट लोडिंग में क्या स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, इससे कहीं ज्यादा अमाउंट होता है उस स्ट्रेसेस का, बट उसे हम लोग करेंगे। तो यहां पर मैंने केस ले लिया है, ओके, यहां पर मैंने एक केस ले लिया है, इस तरीके से एक बॉडी को कंसिडर कर लिया है और सर्टेन हाइट पर एक डब्लू वेट को लेके चले गए हैं, एच हाइट से ले जाके मैं क्या करूंगी, इस वेट को इस तरीके से फ्री फॉल करा दूंगी, तो होगा क्या, ये वेट एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा इसके ऊपर। ओके, ये वेट क्या करेगा, एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा, तो हम लोग देखेंगे इस इंपैक्ट की वजह से क्या क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। अगर इस वक्त आप इनिशियल कंडीशन को देखोगे, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, अगर आप इस वक्त इनिशियल कंडीशन को देखोगे तो यहां पर इस वेट के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये सर्टेन हाइट पर है। अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो W into H इसके पास क्या होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। ओके, अब होगा क्या, जब आप इसको यहां से फ्री फॉल कराओगे, ये नीचे गिरेगा, तो होगा क्या, ये एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा और पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और एक चीज यहां पर और होगी, उसको समझिएगा, देखिए
यहाँ पर अगर आप इस पूरे वेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फ्री फॉल कराओगे तो एच हाइट तो ये कवर करेगा ही। उसके बाद यहाँ पर जो आपको बॉडी दिख रही है इसमें आपका कुछ डिफॉर्मेशन भी होगा, मतलब ये कुछ और नीचे आ जाएगा इस इम्पैक्ट की वजह से। ओके, आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से आपके पास एक रॉड है, यहाँ पर आपने कोई इस तरीके से एक और रॉड लगा दी या कोई बार लगा दिया। अब आप यहाँ से जब कोई वेट फेंकोगे नीचे तो यहाँ पर एच हाइट तो वो वेट कवर करेगा, बट उस वेट की वजह से यहाँ पर थोड़ा डिफॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो सेकंड जो कंडीशन हमारी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, उसे देखिएगा। सपोज कर लीजिए ये डब्ल्यू वेट जब नीचे आया तो इसने एच हाइट तो कवर करी ही, साथ ही साथ क्या हुआ यहाँ पर, ओके यहाँ पर इसने क्या करा, एक्स डिफॉर्मेशन भी कर दिया, यहाँ पर ये एक्स डिफॉर्म भी हो गई। ओके, तो अब जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी तो ये क्या थी, डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एच और प्लस एक्स, ये और नीचे चला जाएगा। ओके, और ये पूरी की पूरी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी आपकी स्ट्रेन एनर्जी में। ओके, स्ट्रेन एनर्जी में ये पूरी चेंज हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है, mg की जगह w रखिए और ये हो जाएगा x प्लस x। ओके, ये x हमारा क्या है, ये हमारा डिफॉर्मेशन हो गया, जो हमने बॉडी कंसिडर करी है उसमें डिफॉर्मेशन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेट। ये वेट जब आके नीचे गिरेगा तो थोड़ा डिफॉर्मेशन भी होने वाला है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर आपने इस w वेट को, ओके इस w वेट को यहाँ फेंका तो ये इस पे आके तो गिरेगा, फिर प्लस थोड़ा और कंप्रेस कर देगा ना। अगर ये यहां से यहां तक की हाइट h है तो ये h हाइट तो ट्रेवल करेगा मगर इसके खुद के वेट की वजह से एक इंपैक्ट जो बॉडी पे क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी थोड़ा सा नीचे दब जाएगी। तो सपोज कर लीजिए वो x दब गई, इसी वजह से मैंने यहां पर x लिया है। ये कंडीशन और ये कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो ये x क्या है, ये x आपका डिफॉर्मेशन है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू a इंटू एल। ओके, ये आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है। कैसे होता है फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी का अगर कहीं पर एक्सेल लोडिंग हो रही है तो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर एल अपॉन 2ae। ओके, पी स्क्वायर एल अपॉन 2ae होता है। यहां पर मैं a का मल्टीप्लाई करा दूं, a का डिवाइड करा दूं, पी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर a इंटू एल क्या हो जाएगा, एज इट इज रखिए a इंटू एल और नीचे क्या बचा, यहां पर बच गया आपका 2e, यही मैंने यहां पर उठा के पुट कर दिया। ओके, तो और आपको ये चीजें याद भी होंगी, अगर मैंने एक स्ट्रेन एनर्जी का वीडियो आपको दिया था स्टार्टिंग में जहां पर मैंने सबके लिए स्ट्रेन एनर्जी निकलवाई थी, मतलब एक्सेल लोडिंग के लिए, टॉर्जन के लिए, बेंडिंग के लिए, शेयर फोर्स के लिए, सबके लिए स्ट्रेन एनर्जी निकलवाई थी और पूरा एक चार्ट आपको दिया था स्ट्रेन एनर्जी का, तो वहां से भी आप इस चीज को सीख सकते हो। ओके, वो मैं ये वाला जो टॉपिक है ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। चलिए देखते हैं, यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू, ओके एच प्लस डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन ए ई, या हम लोग रख सकते हैं सिग्मा एल अपॉन ई। मैं सिग्मा के टर्म में लिखूंगी क्योंकि यहां पर हमारे पास सिग्मा के टर्म में इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू ए इंटू एल। ओके, अब इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करिए, ये एल है, इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करिए, एक इक्वेशन बनेगी सिग्मा के टर्म में, देखिएगा ये हो जाएगा डब्ल्यू, ओके उसके बाद एच ई, ओके ई मैंने क्या करा एलसीएम ले लिया, प्लस सिग्मा इंटू डब्ल्यू इंटू एल अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए एल अपॉन 2e। अब यहां से e कैंसिल आउट कर दीजिए, ए एल इधर भेज दीजिए, 2 ऊपर भेज दीजिए, तो आपको मिल जाएगा सिग्मा स्क्वायर, फिर ये पूरी वैल्यू उधर ले जाइए, माइनस 2 सिग्मा डब्ल्यू एल अपॉन ए इंटू एल डिवाइड में चला गया, माइनस 2w h e अपॉन a इंटू एल, ये भी डिवाइड में चला गया। एल से एल कैंसिल आउट कर दीजिए, सिग्मा स्क्वायर माइनस 2w अपॉन a सिग्मा माइनस 2w h e अपॉन a इंटू एल, ये आपकी आ गई इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस b, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ओके, यहां से आप रूट निकाल सकते हो, यानी यहां से आप सिग्मा की दो वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिएगा जरा, यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो ये माइनस हो, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2w अपॉन a। ओके, फिर प्लस माइनस एज इट इज रखा, इसी का स्क्वायर कर दीजिए 2w अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 2a 4ac माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना है, c है आपका माइनस 2w he
अपॉन ए इंटू एल, ओके, टू डब्ल्यू एच ई अपॉन ए इंटू एल, ये मैंने रख दिया अपॉन टू इंटू वन, ओके, टू इंटू ए, यहाँ पर ए होगा तो ये वैल्यू वन हो जाएगी। अब यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू टू बाहर आएगा, यहाँ पर फोर है टू बाहर आएगा, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी w बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा w बाई ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, टू डब्ल्यू एच ई अपॉन ए इंटू एल, ओके। अब आप जानते हो इम्पैक्ट की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो लोड अपॉन एरिया से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुअल लोडिंग देखोगे तो यहाँ पर लोड अपॉन एरिया था, लोड हमने पी लिया था, यहाँ पर लोड डब्ल्यू ले लिया तो पी की जगह डब्ल्यू आ गया, इससे तो ज़्यादा ही होने वाली है, तो यहाँ से माइनस साइन आप हटा दोगे और आपका जो फाइनल वैल्यू होगी वो हो जाएगी डब्ल्यू बाई ए प्लस अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू बाई ए होल स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू एच ई अपॉन ए इंटू एल, ओके, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन इन द केस ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग, ओके। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूले से आप बहुत सारे इम्पैक्ट लोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ और आपको ये भी समझ आ गया होगा, ग्रेजुअल लोडिंग डब्ल्यू बाई ए, सडन लोडिंग टू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू बाई ए, और इम्पैक्ट लोडिंग डब्ल्यू बाई ए प्लस अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू बाई ए का होल स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू एच ई अपॉन ए इंटू एल। इन केस अगर ये भूल जाते हो तो डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी को करके एनर्जी कंजर्वेशन के हेल्प से भी आप इंपैक्ट लोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इन केस अगर ये भूल जाते हो, अगर ये याद रहता है तो डायरेक्टली भी आप लगा सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन दिखाती हूं आपको, उसे देखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से। बोल रहा है वर्टिकल कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 600 mm स्क्वायर एंड लेंथ 400 mm, ओके, इज फिक्स्ड एट द बॉटम, अ पॉइंट मास ऑफ 200 kg इज हिटिंग फ्रॉम द टॉप विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस इन द कॉलम। क्या कह रहा है आपसे, एक पॉइंट मास है आपके पास, ओके, यहां पर आपके पास एक कॉलम है जिसकी लेंथ कितनी है 400 है, एरिया कितना है 600 mm स्क्वायर है, यहां पर आपके पास कोई इस तरीके से पॉइंट मास है, सपोज कर लीजिए यहां से ये सर्टेन हाइट पर है h, जिस समय ये इसको यहां पर हिट करता है उस समय क्या होता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके, जिस समय ये इसको यहां पर हिट करेगा और इसकी वेलोसिटी कितनी है, हिट करने के टाइम वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है यहां पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जिस समय ये यहां पर पहुंचेगा उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी के पूरी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, और यही काइनेटिक एनर्जी आप कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रेन एनर्जी में जिस समय इस पे एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो आपको सिग्मा की वैल्यू बेसिकली यहां पर बतानी है, आपके पास फॉर्मूला है, क्या डब्ल्यू पता है, बिल्कुल, डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा आपका एम इंटू जी, एम कितना है 200 है और जी कितना कह रहा है 10 कह रहा है, तो ये हो जाएगा 2000। चलिए ठीक है, डब्ल्यू पता है, क्या एरिया पता है, हां पता है 600, W एरिया पता है, W पता है, H नहीं पता है, E पता है, A पता है, लेंथ भी पता है 400 mm है, H आप कैसे निकालोगे, जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, G आपका 10 है, H आपको चाहिए हाफ, और आपको वेलोसिटी भी दे दी है 5 स्क्वायर, ओके, तो यहां पर H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 अपॉन 20, या हम कह सकते हैं यहां पर आप सॉल्व करो 5 5 25 5 4 20 4 1 4 4 2 8, ये मीटर में होगी, यहां पर अगर आप mm में निकालोगे तो 1250 mm आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मैं यहां पर सारी वैल्यूज को पुट कर दूं तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 600 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 600 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2000, W हो गया, H कितना आया 1250, E कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन कर दीजिए 2WH ही हो गया, एरिया कितना है 600 और L कितना है 400 है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ, मेरे पास इसका कैलकुलेशन नहीं है, जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2044.5, ओके, 7, और ये किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेगा पास्कल, तो ये आपकी स्ट्रेस आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग, ओके। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, टफनेस रेजिलियंस वगैरह आपको मैं फिर किसी वीडियो में बताने वाली हूँ, टफनेस कैसे निकालते हैं, रेजिलियंस कैसे निकालते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इसके आप प्रैक्टिस करिए, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको नोट डाउन करिए, इस क्वेश्चन को एक बार और लगाइए, एक बार आपने वीडियो के साथ लगाया होगा, एक बार आप अपने मन से सारे वीडियो वगैरह रोक कर पॉज करके फिर से लगाइए, देखिए आपको अब लग पा रहा है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको गेट प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, अब आप वो भी लगाने के लिए एलिजिबल हो। थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।